सेव तो मैं आपको देती हूँ, आप लोग उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो किस टाइप के ब्रैक है, उनका मटेरियल कैसा है, उनकी प्राइस क्या है और उनके कितने डिस्काउंट मिले। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, देखिए ये हैंड बैग कैसे हैं, कैसे मैंने परचेज किए हैं। और अगर आपको मैं आपको इस वीडियो के अंदर तीन टाइप के हैंडबैग दिखाऊंगी, पार्टी वेयर लुक, ऑफिस वेयर लुक और ट्रैवलिंग वेयर लुक। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो मेरा बैग है ये लीनो पैरोस बैग है। इसका जो साइज़ है वो मिडिल है, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मॉल है। आप इस बैग को जो है एज ए पार्टी वेयर लुक के लिए कैरी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर जो हैं अवेलेबल हैं। जब इस बैग के अंदर जो है वो दो कंपार्टमेंट आते हैं इस टाइप से, आई होप आपको दिख रहे होंगे, और मिडिल में जो है ये जिप पॉकेट आती है। आप इसके अंदर वाटर बॉटल वगैरह नहीं रख सकते हो, सिर्फ अपना छोटा मोटा मेकअप और लाइक आपका फ़ोन वगैरह रख सकते हो, क्योंकि इसका साइज़ जो है मिडिल है, कोई बड़ा साइज़ नहीं है। तो आप इसको एज ए पार्टी वेयर लुक के लिए ही कैरी कर सकते हो। और इसके साथ में ये स्ट्रैप आती है, जैसे आप देख रहे हो। आप चाहो तो इसे विदाउट स्ट्रैप कैरी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे इस टाइप से भी कैरी कर सकते हो। तो ओवरऑल जो है ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक्चुअली ये सिंथेटिक लेदर है और वैसा ही है, ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका प्राइस जो है वो 2663 रुपीज़ है, बट मुझे डिस्काउंट के अंदर ये 1160 रुपीज़ में मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मिंत्रा से हैंडबैग परचेस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पिक्चर में क्या दिखाया और क्या रिसीव होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जितने भी बैग परचेस करे मिंत्रा से, सब की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, सो आई एम हैप्पी विद दिस। जो मेरा बैग है वो अगेन लीनो पैरोस बैग है। इसका जो कलर है वो ब्लू है, इसमें और भी कलर अवेलेबल हैं। इसका साइज़ जो है वो थोड़ा लार्ज है, मैंने जो आपको पहला वाला बैग दिखाया था उससे थोड़ा बड़ा साइज़ है। इस टाइप के बैग को जो है आप एज ए ऑफिस वेयर लुक के लिए कैरी कर सकते हो। इसके अंदर जो है इस टाइप से भी हैंग कर सकते हो। इसके साथ में ये पतला सा स्ट्रैप आता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको आप स्ट्रैप के साथ में भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर जो है वो सेम पहले वाले बैग की तरह टू कंपार्टमेंट आते हैं, और मिडिल में जिप आती है, जिप पॉकेट आती है, और अगेन साइड में एक छोटी सी पॉकेट आती है जो कॉमन है सभी हैंडबैग के अंदर होती है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा इसका पूरा। और ये भी अगेन सिंथेटिक लेदर है और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीप क्वालिटी का दिख रहा है या लोकल दिख रहा है, जैसा ब्रांड है वैसा ही बहुत अच्छा बैग है। और इसका प्राइस जो है वो 3197 रुपीज़ है, बट मुझे डिस्काउंट के अंदर ये 1190 रुपीज़ में मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मिंत्रा में क्या है, मोस्ट ऑफ डिस्काउंट चलता रहता है और किसी न किसी बैग पर 10% डिस्काउंट चलता रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा ऑफिस वेयर लुक के लिए, सिंपल है, सोबर है और लुकिंग भी बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बैग। नेक्स्ट जो मेरा बैग है ये ऑलिव ग्रीन कलर का बैग है, ये ड्रेसबेरी ब्रांड का है। और इस टाइप के बैग को जो है आप एज ए ट्रैवलिंग कैरी कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ गर्ल्स क्या करती है कि हैंडबैग के अंदर ही अपनी वाटर बॉटल जो भी सामान होता है उनका उसी के अंदर रखती है। तो इस बैग का जो साइज़ है वो पहले जो मैंने दोनों बैग दिखाए थे उनसे काफ़ी बड़ा है, तो ये एज ए ट्रैवलिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका मटेरियल अगेन सिंथेटिक लेदर है और इसमें भी आप इस टाइप से इसको हैंग कर सकते हो। और इसके साथ में जो है बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एक स्लिंग बैग मिला है जिसके अंदर ये स्ट्रैप मिली है। तो आप इस बैग को एज ए स्लिंग बैग यूज़ कर सकते हो विद दिस स्ट्रैप, और ये स्ट्रैप इस बैग के साथ में लगाकर आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। और इस बैग के अंदर एक बड़ा सा कंपार्टमेंट आता है जिसमें आप अपना सारा स्टफ रख सकते हो, और साइड में ये जिप पॉकेट आती है। इसके अंदर का मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, पॉलिस्टर कॉटन पता नहीं कौन सा मटेरियल बोलते हैं, बट बहुत अच्छा मटेरियल है इसका। और इसका जो प्राइस था वो 3161 रुपीज़ था, बट मुझे अगेन डिस्काउंट के अंदर 954 रुपीज़ में मिला है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं इन तीनों हैंडबैग के साथ बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, और जिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मुझे ये बैग बहुत अच्छे लगे तीनों।
सो गाइज, ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मिंत्रा से हैंडबैग परचेस करने का सोच रहे हो, इवन किसी भी वेबसाइट से परचेस करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मिंत्रा का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब 5 out of 5 रेटिंग दूंगी। तो काफ़ी अच्छे मटेरियल थे और डिस्काउंट भी अच्छा खासा था और प्राइस भी बहुत अच्छा खासा था, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये बैग। आप चाहो तो आप भी मिंत्रा से परचेस कर सकते हो और आप इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई आपकी फ्रेंड जो है वो हैंडबैग परचेस करने का सोच रही है तो उसे ये एक सिंपल सा आइडिया मिल जाएगा। सो ये था मेरा हैंडबैग रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।